हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं लेटेस्ट वर्ल्ड न्यूज इन हिंदी। यूएन ने उत्तर कोरिया पर और प्रतिबंध लगाए, पैदा हो सकता है पेट्रोल का संकट। संयुक्त राष्ट्र यूएन सुरक्षा परिषद ने उत्तर कोरिया द्वारा 29 नवंबर को किए गए अंतर महाद्वीप बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण को लेकर उस पर नए प्रतिबंध लगा दिए हैं। नए प्रतिबंधों के तहत पेट्रोलियम पदार्थों तक उत्तर कोरिया की पहुंच और विदेश में रहने वाले उसके नागरिकों से होने वाली कमाई को सीमित कर दिया गया है। अमेरिका द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव को 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद ने सर्वसम्मति से मंजूरी दी। इसके तहत उत्तर कोरिया के लिए लगभग 90% रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात पर प्रतिबंध रहेगा। इसकी सालाना अधिकतम सीमा 5 लाख बैरल तय होगी। इसके चलते उत्तर कोरिया में पेट्रोलियम उत्पादों का संकट पैदा हो सकता है। इसके अलावा उत्तर कोरिया के लिए कच्चे तेल के निर्यात को कम कर एक साल में 40 लाख बैरल पर लाने का भी प्रस्ताव है। अगर उसने फिर परमाणु या मिसाइल परीक्षण किए, इसे और कम किया जा सकता है। प्रस्ताव में 24 महीनों के भीतर विदेश में काम कर रहे उत्तर कोरियाई नागरिकों को स्वदेश भेजना शामिल है। साथ ही उत्तर कोरिया के लिए खाद्य उत्पादों, मशीनरी, लकड़ी, जहाजों और बिजली के उपकरण के निर्यात पर रोक लगेगी। यूएन में अमेरिकी राजदूत निकी हेली ने कहा कि यह प्रतिबंध उत्तर कोरिया को स्पष्ट संदेश है। अगर उसने फिर उल्लंघन किया तो उसे और सजा का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा, 29 नवंबर को अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को उत्तर कोरिया द्वारा दी गई अभूतपूर्व चुनौती है, इसलिए हमने भी अभूतपूर्व प्रतिक्रिया दी है। यूएन में ब्रिटेन के राजदूत मैथ्यू रिकरॉफ्ट ने कहा कि उत्तर कोरिया अधिकांश पेट्रोलियम पदार्थों का इस्तेमाल अपने अवैध परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम के लिए करता है। पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति रोकने से वह अब इस तरह के हथियार नहीं बना पाएगा। यूएन महासचिव एंटोनियो गुतेरस ने सुरक्षा परिषद के इस प्रस्ताव का स्वागत किया है। अमेरिका के रक्षा मंत्री जिम मैटिस ने कहा है कि कोरियाई प्रायद्वीप के ऊपर तूफानी बादल इकट्ठा हो रहे हैं। उत्तर कोरिया मामले के कूटनीतिक तरीके से हल की कोशिश के बीच उन्होंने कहा कि अमेरिकी सेना को युद्ध के लिए तैयार होकर अपने हिस्से का काम जरूर करना चाहिए। हालांकि मैटिस ने इस दौरान संघर्ष के बारे में कोई बयान नहीं दिया, लेकिन कहा कि युद्ध को रोकने के लिए कूटनीतिक रास्ता ही सबसे अच्छा मौका होता है। मैटिस वे एयरबोर्न डिविजन्स हॉल ऑफ हीरोज में वहां मौजूद कई दर्जन थल सेना और वायुसेना से जुड़े कर्मियों को संबोधित कर रहे थे।